उल्टा बिहार न्यूज मीडिया, मैं हूं आपके साथ प्रभात कुमार। अभी बेगूसराय और खगड़िया स्थानीय निकाय चुनाव जो है का नॉमिनेशन खत्म हो गया, अब चुनाव प्रचार प्रारंभ हो गया। इसी क्रम में एक योगी जी हैं, लोग महात्मा जी बोलते हैं, और अपना चुनाव प्रचार के दरमियान बछवाड़ा के कई पंचायत में इन्होंने वार्ड सदस्य महोदय से या जो मुखिया जी हैं उनसे वोट मांगने आए और सही जगह वोट देने के लिए इन्होंने वादा के मतलब बोले, और लगातार कई वर्षों से इन्होंने वार्ड सदस्य और पंच संघ का प्रदेश संयोजक भी रहे। इनसे बात करें, आपका मुद्दा क्या है? एमएलसी का जो अभी चुनाव प्रचार करें, आपका मुद्दा क्या है, आपका परिचय क्या है, ये पहले बताइए। सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपका और बोल का बिहार न्यूज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि आप मेरी आवाज़ को बिहार में उठाने का बीड़ा उठाया है। और मेरा जो मुद्दा है वो वैसे लोग हैं बेगूसराय खगड़िया में ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, जो उपहार की बौछार दे करके पंचायत जनप्रतिनिधियों को छलने का काम कर रहे हैं और सम्मान का नाम देते हैं, ये असल सम्मान नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश किन को कहते हैं, या तो पार्टी बताइए या उम्मीदवार का? मैं ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूँ, जो बीजेपी से खड़े हुए हैं रजनीश जी, और कांग्रेस से खड़े हुए हैं राजीव जी, और राजद से खड़े हुए हैं मनोहर जी, इनको बोलता हूँ। इसलिए क्योंकि ये अपना उपहार का बौछार करके पहचान बनाए हैं, और इससे पहले जो हमारे खगड़िया के जिला अध्यक्ष वार्ड सदस्य संघ का ओम शम्मी कपूर थे, उन पर केस हुआ था 2017 में, और चाहते तो उनके भाई संजीव कुमार जी दो साल से विधायक हैं, वो चाहते तो केस उठवा सकते थे, और सदन में जो बिहार के वार्ड सदस्यों के लिए पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि उनकी मांग उठा सकते थे, लेकिन नहीं उठाया, और इस मार्च में उठाया, और इसलिए कि क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है। 12वें वर्ष में पिछले मार्च में रजनीश जी ने केवल एक मिनट कहा कि मानदेय बढ़ना चाहिए, क्या 12 वर्ष के बाद उनको याद आया? और मनोहर जी यादव जी कहाँ थे जब हमारे खगड़िया के वार्ड सदस्य 10 वार्ड सदस्य पर केस हुआ था? इसलिए मैं उनको ब्रह्मा विष्णु महेश कहता हूँ, टुकुर टुकुर ताकने वाला। और सदन में ये लोग जाएंगे तो केवल अपने पार्टी में बन जाएंगे, पार्टी भी जारी करेगा कि हाँ ये बात मत उठाना सदन में, ये बात उठाना, कई जगह तो पैसा लेके उठाया जाता है, आप भी पत्रकार महोदय जानते होंगे। और मैं संघ के नेता के नाते अपने पूरे बिहार में 19 कैंडिडेट को खड़ा किया हूँ, बेगूसराय से संघ ने मुझे खड़ा किया है यहाँ, और संघ ने बाध होकर के खड़ा करवाया अंतिम समय में, क्योंकि इनको 3 महीना का समय दिया गया, सरकार ने नहीं दिया मांग, 5 मांग जिसमें से पहला है वार्ड सदस्य के खाते में सीधी राशि भेजा जाए, दूसरा है 5 लाख रुपया स्वैच्छिक मद में खर्च करने के लिए वार्ड सदस्य को दिया जाए, तीसरा है 10,000 वेतन मासिक और 5,000 पेंशन दिया जाए, नहीं तो बिहार के सारे MLC MLA और सांसद अपना वेतन स्वेच्छा से 31 मार्च तक छोड़ दें, क्योंकि बिहार गरीब है, ये बिहार सरकार का कहना है। चौथा मांग है हमारा 10 लाख रुपये का बीमा दे सरकार, और 7 मुखिया जी अभी मारे गए हैं, हत्या हो गई है पूरे बिहार में, और उनमें से परिजन किसी भी लोगों को 1 लाख रुपया मुआवजा तक नहीं मिला है, और ना ही गिरफ्तारी की गई हत्यारों की। तो एकता हमें दर्शाना होगा, एक होकर के वोट दे करके हमें सरकार को, और जो है अवसरवादी प्रत्याशी हैं उनको सबक सिखाना होगा। 5वां हमारा एक पंचायत प्रतिनिधियों को भी सांसद प्रिंस पासवान की तरह इनको भी इन पर केस हो जाए, बिना FIR किए, बिना जांच किए गिरफ्तारी ना किया जाए। इन्हीं मांगों मुद्दों को लेकर के हम मैदान में आए हैं सर, हमारे मतदाता ही मैदान में लाए हैं, मतदाता भगवान है हमारे, हमारी हार होगी
तो मतदाता वार्ड सदस्य और पंचायत प्रतिनिधि मुखिया समिति जिला परिषद महोदय की हार होगी। हमारे हवा से उड़ने वाले मंत्री हमारे समिति हैं, हमारे मुखिया जी हैं, हमारे जिला परिषद हैं, हमारे सम्राट चौधरी हमारे वार्ड सदस्य हैं, सब कुछ हमारे यही हैं। सम्राट चौधरी जी या अवधेश राय जी या ललन जी विधायक या सुरेंद्र जी, वो आते हैं वोट मांगने के लिए। मतदाता से मैं आग्रह करता हूं कि आप इनसे कहिए कि आप अपना वेतन पेंशन योजना बंद कर दीजिए, तो मैं आपके पक्ष में वोट दूंगा जिनका आप मांग रहे हैं। रजनीश जी लगातार 12 वर्ष तक बेगूसराय खगड़िया स्थानीय निकाय चुनाव MLC रहे और बोलते हैं जब कहीं भी भाषण उसल देते हैं बोलते हैं कि कहीं छूट गया होगा कारोबार, मतलब काम बहुत ऐसा पंचायत हम काम नहीं किए। हमको तो लगता है कि पूरे खगड़िया और बेगूसराय में कुल मिलाकर 342-343 पंचायत है, क्या उस पंचायत में 342-343 पंचायत में कितना काम किए हुए, कितना पंचायत में लगभग काम किए हुए कुछ उनके? ये आपका दूसरा सवाल भी सराहनीय है सर। पहले मैं बता दूं आपको, हमारे मतदाता इस बार 2022 में 5023 हैं और 14 अन्य भी हैं, सांसद विधायक जी हैं। तो वोट तो इनसे लेते हैं और जब उनके गिनाया जाता है कि 12 साल में आपने क्या किया, तो वो कहते हैं बाढ़ पीड़ितों को हमने ये किया, हमने गढ़पुरा में जल के निकासी का काम किया। अब वोट तो आप इनसे लेते हैं, इनके लिए कुछ किए नहीं, और वो उसमें भी आपने नहीं किया है, कोई ऐसा कोई सबूत नहीं है। और खुद संजीव जी ने कहा, प्रवक्ता के विधायक हैं, कि 3 करोड़ इनको सालाना राशि मिलता है, 12 साल रहे भारतीय 36 करोड़ का ये हिसाब दें, तो 36 करोड़ का हिसाब तो मांगा जा रहा है और हमको तो नहीं लगता छोड़ाई में भी या कहीं भी वो ऐसा कुछ दिए हैं तो ये बेहतर होगा हमसे ज़्यादा क्या उनसे कुछ नहीं बोलते हैं। पाँच अब जो 6 वर्षीय होगा, इस बार चुनाव जीतेंगे तब पूरा 342-343 पंचायत में हम काम करेंगे। 12 साल में जो व्यक्ति नहीं काम किए क्या 6 वर्ष में करेंगे? अब तो मतदाता मालिक हैं कि इनका चेहरा फिर से आने देना चाहते हैं या फिर नए चेहरा को काम देने का। आप किस उम्मीद के साथ यहाँ खड़ा हूँ? मैं इस उम्मीद से हूँ कि 5323 मतदाता हैं बेगूसराय खगड़िया में, जिसमें 4300 मतदाता वार्ड सदस्य हैं, बाकी 1300 में हमारे माननीय मुखिया जी, माननीय समिति जी, माननीय जिला परिषद जी हैं और 4300 माननीय वार्ड सदस्य भाई हैं। इस उम्मीद से मैं हूँ कि वार्ड सदस्य समेत सभी को बिहार सरकार ने मेढक समझ लिया है कि इनको अपने में एकता नहीं है, इसलिए शायद मुखिया जी के हत्या के बाद भी इनको मुआवजा और ना ही इनके हत्यारे पकड़ा जाता है। इसलिए आस की नज़र से हम पर आशा है उनको, और निश्चित रूप से हमें जिताएंगे और हम किसी पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। सदन में जाने के बाद जब पूरा मान हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार मान लेगी, तभी किसी पार्टी में जाने का हमें लगे। चेहरा ढका हुआ नहीं ना।